वाटोड़ा पुलिस थाना अंतर्गत सिंबोसिस कॉलेज के पास झाड़ियों में मिली एक अज्ञात महिला का शव की शिनाख्त हो गई है। पुलिस ने युवराज पटेल को अपनी पत्नी हंसा पटेल की हत्या में मंगलवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस इंस्पेक्टर अनिल ताकसांडे वाटोड़ा पुलिस ने बताया कि शव की शिनाख्त दर्ज लापता मामले के जरिए हुई और पुलिस ने युवराज को इस दौरान पूछताछ के लिए भी बुलाया था। बाद में मामले की जाँच होने पर पुलिस ने युवराज पटेल को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया और युवराज ने अपना गुनाह कबूल किया और पुलिस को बताया कि पारिवारिक झगड़े के कारण वह एक साल से अलग रह रहे थे और फिर युवराज ने हंसा को मिलने और समझौता करने को रविवार को मैदान में बुलाया, जहां उसने बड़ी बेरहमी से हत्या को अंजाम दिया। फिर उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए अपनी पत्नी की लापता होने की शिकायत दर्ज की। महिला का नाम है हंसा युवराज पटेल, वह 28 वर्ष राहार खरबी तिचा तिचा पती पास एक वर्षापासून पटत नसल्यामुळे ती वेगळी राहत होती। एक मुलगा आणि एक मुलगी आहे, तिला 12 वर्षाचा मुलगा आहे, 7 वर्षाची मुलगी आहे। त्यांचं पटत नसल्यामध्ये वेगवेगळ्या राहत होती। दिनांक 21 तारखेला हंसाचा मृतकाचा पती युवराज हा नागपूरला आणला होता। तिने त्याने तिला फोन करून बोलवले, तुम्हाला भेटायचं आहे म्हणून। आणि ज्या ठिकाणी ही महिला काम करत होती त्या ठेकेदारासोबत तिचे अवैध संबंध आहे अशी त्याला संशय होता। त्यासाठी तिने त्या पतीने तिला पतीने त्याला तिला बोलविले। खरबीला बोलवता ती गाडीने सिंबॉसिस कॉलेजच्या मोकळ्या मैदानात रात्री संध्याकाळी 7:30 रात्रीची 7:30 वाजता गेले होते। बता दें कि आईपीसी की धारा 302 के तहत वाटोड़ा पुलिस ने मामले को दर्ज किया है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।